हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपने में दही देखना, सपने में रायता देखना, सपने में मट्ठा देखना कैसा होता है और ये शुभ सपना होता है या अशुभ सपना होता है। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें ताकि प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे और आपके जीवन में स्थितियाँ मंगलमयी बनी रहें। अब चलिए बात कर लेते हैं स्वप्न विज्ञान के अनुसार सपने में दही रायता या मट्ठा देखना कैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको सपने में दही रायता मट्ठा दिखाई देता है तो ये बेहद ही बढ़िया सपना होता है। स्वप्न विज्ञान के अनुसार ये सपना आपको आने वाले समृद्धि का संकेत प्रदान करता है। ये सपना आपको बताता है कि आने वाले भविष्य में आपके जीवन में अच्छे परिवर्तन हो सकते हैं। अगर अभी के टाइम पर अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में आपको स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा लाभ हो सकता है, बीमारियां इत्यादि आपकी समाप्त हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप एक स्त्री हैं और आप सपने में दही मट्ठा या आप रायता देखती हैं तो ये सपना आपको संकेत प्रदान करता है कि निश्चित ही आने वाले समय में आपके जीवन में खुशियाँ आ सकती हैं और ये खुशियाँ किसी भी रूप में आ सकती हैं। अगर आप विवाहित हैं, विवाह इत्यादि आपका संपन्न हो सकता है, या विवाहित हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं तो आने वाले समय में आपके जीवन में संतान प्राप्ति हो सकती है। वहीं अगर आप सपने में दही या मट्ठा या आप रायता कंज्यूम करते हुए अपने आप को देखती हैं, खाते हुए अपने आप को देखते हैं तो ये सपना आपकी समृद्धि का आपको संकेत प्रदान करता है। ये सपना आपको बताता है अभी तक आपने जिस भी मनोकामना, जिस भी टारगेट को लेकर मेहनत करी है तो निश्चित ही आने वाले समय में वह टारगेट आपके जीवन में अचीव होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है और उसका आप सुखद अनुभव भी कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप सपने में खराब दही, खराब रायता या सपने में खराब कोई भी खाना अगर देखते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। यह सपना आपकी आने वाले भविष्य में जो है चुनौतियों का आपको संकेत देता है। आशा है हमारी छोटी सी जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें।